आज की हमारी चर्चा से आपसी सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने का रास्ता तैयार हुआ है। मुझे विश्वास है कि इससे हमारे साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गति मिलेगी। फ्रेंड्स, आप सभी की बात सुनने के बाद आज मैं आपके सामने भारत की ओर से एक व्यापक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। इस कॉम्पैक्ट की नींव भारत की विकास यात्रा और विकास साझेदारी के अनुभवों पर आधारित होगी। इस कॉम्पैक्ट यह कॉम्पैक्ट ग्लोबल साउथ के देशों द्वारा स्वयं निर्धारित की गई विकास प्राथमिकताओं से प्रेरित होगा। यह ह्यूमन सेंट्रिक होगा और विकास के लिए मल्टी डायमेंशनल होगा और मल्टी सेक्टोरल अप्रोच को आगे बढ़ाएगा। यह डेवलपमेंट फाइनेंस के नाम पर जरूरतमंद देशों को कर्ज तले नहीं दबाएगा। यह पार्टनर देशों के संतुलित और सतत विकास में सहयोग देगा। फ्रेंड्स, इस डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट के तरह हम ट्रेड फॉर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंसेशनल फाइनेंस और ग्रांट्स, इस पर फोकस करेंगे। ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज को बल देने के लिए भारत 2.5 मिलियन डॉलर के विशेष फंड की शुरुआत करेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेड पॉलिसी और ट्रेड नेगोशिएशन में ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 1 मिलियन डॉलर का फंड प्रदान किया जाएगा। ग्लोबल साउथ के देशों में फाइनेंशियल स्ट्रेस और डेवलपमेंट फंडिंग के लिए भारत एसडीजी स्टिमुलस लीडर्स ग्रुप में सहयोग दे रहा है। हम ग्लोबल साउथ को सस्ती और प्रभावी जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए काम करेंगे। हम औषधि रेगुलेटर्स के प्रशिक्षण में भी सहयोग करेंगे। कृषि क्षेत्र में नेचुरल फार्मिंग के अपने अनुभव और टेक्नोलॉजी साझा करने में हमें खुशी होगी। फ्रेंड, आपने तनावों और संघर्षों से जुड़ी चिंताओं को भी प्रकट किया है। यह हम सभी के लिए गंभीर विषय है। इन चिंताओं का समाधान जस्ट और इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस पर निर्भर करता है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनकी प्राथमिकताओं में ग्लोबल साउथ को वरीयता मिले, जहां विकसित देश भी अपने दायित्व और कमिटमेंट पूरे करें। ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी को कम करने के लिए कदम उठाएं। अगले महीने यूएन में होने वाली समिट ऑफ द फ्यूचर इस सब के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव बन सकता है। योर हाइनेसेस, एक्सलेंसीज, आपकी उपस्थिति और अनमोल विचारों के लिए एक बार फिर आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि ग्लोबल साउथ की प्रगति के लिए हम अपनी आवाज
ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे और अपने अनुभव साझा करते रहेंगे। आज दिन भर हमारी टीम्स सभी विषयों पर गहन चिंतन मनन करेगी और इस फोरम को हम आने वाले समय में भी आप सबके सहयोग के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।